Hello, good afternoon, good evening सभी को। आवाज आ रही है? हेलो 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 ओके। गुड इवनिंग दानिश, हिमांशी, अश्विनी, राजलक्ष्मी। अभी करना था हमें। ठीक है, जल्दी से अफर्म कर दो। वी वांट जेआरएफ, ये हमें चाहिए बाय हुक बाय क्रुक। ठीक है, एंड आते हैं हम फिर आज के क्वेश्चन पे जो कल रह गया था। एक क्वेश्चन। गुड इवनिंग ममता, अलीशा, शाहिमा, आस्था, पुष्पा, अश्विनी। अच्छे हो गए तो पहले थे। चेताली, ओके, रक्षा नाम है। यस, वी वांट जेआरएफ। दादा आगे नहीं, जून में ही। कहाँ चल रही है? गुड इवनिंग चिंकी, प्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था कल, ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना डीआई करते हैं आज का। क्यों अजीब सा चल रहा है? ओके, ठीक है। आपने मेल की थी? क्योंकि मैं कल रात को देख रही थी, मेरे को एक भी मेल नहीं आई। मनीषा अपने नाम से ही करी थी आपने। हेलो रक्षा, ठीक है, चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक पजल है, एंड कई बार पजल भी आ जाती है इस पे, लॉजिकल चीज के बारे में। आपकी खुद ही की आईडी से थी? ओके, मैं देखूंगी फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि एक विद्यालय में 5 शिक्षक है। ठीक है, 5 शिक्षक है। कौन शिक्षक है? A B C D E भी है, हाँ 5। ठीक है, A B C D E आपके 5 शिक्षक है, जिसके पास अलग अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे विषय दिए गए साथ में कि A और B हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं, C और B आपके अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं, आपका D और A आपका पंजाबी और हिंदी पढ़ा रहे हैं, E और B दोनों इतिहास और फ्रेंच आपका पढ़ा रहे हैं। इसमें से कौन से शिक्षक सबसे ज्यादा विषय किसके पास है? डाइस वाला नहीं है ये, सिंपल आप ऐसे कर सकते हो कि ABCD एंड फिर हो सकता है किसी और के में गया हो। चेक कर लेना एक बार, पर मेरे को आया होगा तो मैं चेक कर लूंगी फिर से, क्योंकि मैं देख रही थी मेल कि मुझे आया है कि नहीं। एक तरुण है, वो तो मुझे करते ही है DI के लिए अलग से। हाँ, डाइस से भी आते हैं क्वेश्चंस। आने के लिए फिर पॉसिबिलिटी तो फिर बहुत है ना। वही बोली मैं, सागर भर के देना उन्होंने, बूंदे भर के कुछ क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो इन्होंने सिलेबस इतना वास्ट दिया हुआ है मैथ्स का और रीजनिंग का कि पूरे 100 नंबर का भी आ सकता है उसमें, इतना वास्ते है। 2020 में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, कभी भी आ सकते हैं, वही बोझू में कभी भी टपक सकते हैं। तो इसके भी प्रैक्टिस खेल की किया करो। एंड काफी ने वैसे आंसर दे दिया है B। दानिश ने सबसे पहले किया था, जानवी, ममता, अश्विनी, राजलक्ष्मी, पुक्कू, चेताली, शुभम एंड सीमा। ओके, तो आपका सही है, आपका जो ऑप्शन है बी। बी के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। अगर आप देखोगे इसको कहाँ करूं, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा छोटा लिख जाएगा। हिमांशी भी, आस्था भी, ठीक है, आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख देती हूँ और यहाँ पे बी सी बी के साथ है ना, यहाँ पे नहीं आएगा ये है 5 शिक्षक। ठीक है, 5 शिक्षक है, कोई यहाँ पे नहीं दिया गया है। ए बी सी डी ई एंड आपका यहाँ पे बोला गया है कि ए बी जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता। ठीक है, ए भी आपका हिंदी पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, या आप ऊपर लिख सकते हो सब्जेक्ट हिंदी में भी इसमें। एंड सी और बी बोथ टीचिंग इंग्लिश, ये इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा है सी और बी, और यहाँ पे ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे बी ज्योग्राफी पढ़ा रहा है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, डी और ए बोथ आर टीचिंग पंजाबी। ठीक है, तो ये पंजाबी भी पढ़ रहा है, एंड कौन सा था डी, ठीक है, तो ये भी आपका पंजाबी पढ़ा रहा है, एंड सेकंड कौन सा था आपका हिंदी, हिंदी भी है यार, ठीक है, हिंदी ये भी है, तो ऊपर वाला तो उसमें दिया था, गिवन था। ठीक है, फिर आया आपका बोथ आर टीचिंग पंजाबी एंड हिंदी, ई एंड बी बोथ आर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, फ्रेंच भी पढ़ रहा है, और आपका ई भी हिस्ट्री पढ़ रहा है और आपका फ्रेंच भी पढ़ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ई के पास कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम सब्जेक्ट किसके पास है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके पास बी के पास है, बाकी के पास 2 या 3 ही है। ई के पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है ए इंग्लिश भी, इंग्लिश मैंने करा नहीं था फिर मैं, ओके 3 था ना, ए 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, बी आपके 5 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे पूछा सिर्फ मैक्सिमम था, तो आपका जो मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो आपका बी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन था सही, एंड ये कल का लास्ट क्वेश्चन था। अभी आते हैं अपने डीआई पे। कौन सी है कि PYQ? देखो ये PYQ भी 2020 के बाद की है, 21, 22 और 23 के है PYQ। ठीक है, तो अभी आते हैं हम DI पे। तो आज का DI देखते हैं पहले। ओके, यहाँ पे दिया है आपको पाई चार्ट, जिसमें आपको परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है चेयर्स की। ठीक है, चेयर्स आपके जो 5 डिफरेंट सेलर ने, ठीक है, 5 डिफरेंट सेलर है ए बी सी डी ई, ये भी वही था क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, तो ए बी सी डी ई 5 सेलर है जिसने कुर्सियां बेची है, ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन दी है आपको। ठीक है, कुर्सियां बेची है, और आपका जो डेटा दिया गया है प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है, परसेंटेज में दिया गया है आपका ये डेटा, एंड साथ में इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो ध्यान दे, ये नोट जो होते हैं ना, ये स्पेशली अलग से इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इसको पढ़ने होते हैं सबसे पहले। गुड इवनिंग, लेट ज्वाइन हुई, रिपीट कर दो। अभी स्टार्ट किया है रवीता, अभी स्टार्ट किया है हमने DI। अभी कैसे होगा आंसर भी? ओके, पिछले क्वेश्चन का बोल रहे हो आप, उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट करना था कैलकुलेट। ठीक है, उसमें देख लेना, तो आप जब मैक्सिमम सब्जेक्ट निकालोगे तो बी ऑप्शन आपका आ जाएगा उसमें, क्योंकि बी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। ठीक है, आपको PDF शायद इसकी तो कल डिस्ट्रीब्यूट करके थी सर ने आज दिन में। ठीक है, तो अभी DI कर रहे हैं आज का, एक बार करके देखना, अगर नहीं आया तो फिर मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिया है, एंड यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको उस पर नहीं दी है, नंबर मैंने दिए, उन्होंने परसेंटेज में दिए कि ई ने 20% कुर्सियां बेची है, ए ने 18%, बी ने आपका 14%, सी ने 12% और आपका डी ने सबसे ज्यादा कुर्सियां बेची है आपकी 36%। ठीक है, 36% कुर्सियां बेची है। एंड यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी गई, इसको सॉल्व करके बताओ पहले, तब आपको पता लग जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कुर्सियां कितनी है। तो पहले तो हमें निकालना है कि टोटल कुर्सियां कितनी है, ताकि हमारा आगे का सॉल्व हो जाए अच्छे से, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी के लिए ही दी जाती है कि हम नंबर में निकाल पाए जो परसेंटेज है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो नहीं दिया है, इन्होंने नंबर में नहीं दिया है, तो हम आपको नंबर में निकालना पड़ेगा पहले तो। और नंबर में निकालने के लिए इन्होंने इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी कि टोटल नंबर ऑफ द चेयर सोल्ड बाय द ई इज 20 मोर देन द सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ई के द्वारा बेची गई कुर्सियां का कुल जो संख्या है वो सी के कुर्सियों के आपका 20 अधिक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई ने कितनी कुर्सियां बेची है आपकी 20% कुर्सियां बेची है ई ने। एंड आपका यहाँ पे सी ने कितनी कुर्सियां बेची है 12%। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इनका जो बीच का डिफरेंस है, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो है 20 कुर्सियां। याद रखना ये परसेंटेज में दिया है, ये नंबर में दिया है। ये 20 कुर्सियां लिखा है, 20% नहीं लिखा है, ये 20 कुर्सियां लिखा है कि 20 कुर्सियों का फर्क है ई और सी के बीच में। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में है 8% का फर्क। तो 8% यहाँ पे है 20 के बराबर, 20 कुर्सियों के बराबर। तो यहाँ पे आपको टोटल कुर्सियों का आ जाएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ, अगर कोई दे रहा है तो ठीक है, वरना मैं कर देती हूँ, बट प्लीज एक बार खुद ट्राई कर लो। ओके, ये नहीं दिख रहा है, सी वाला नहीं दिख रहा है डेटा। क्या ये सी वाला इसमें ब्लर क्यों आ रहा है? सी वाला मैं थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ, सी का है 12%। ओके, अब दिख रहा है। सी का है, ठीक है, आस्था ने किया है टोटल जो कुर्सियां होगी। ठीक है, अंजू ने 1% निकाला है। ठीक है, 1% सभी ने निकाला है इसका कि 1% कितना हो जाएगा इसका 2.5। एंड आपका 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा आपका ये 250। समझ आया 250 कहाँ से आया? ये 250 क्या है? 250 पूरी चेयर्स है, ये पूरी चेयर्स बिकी गई है, बेची है 250 पूरी चेयर्स बेची है, जिसमें से 18% ए ने बेची है, 14% बी ने बेची है, 12% सी ने बेची है, 36 आपका डी ने एंड आपका 20% ई ने बेची है। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ कि क्या था ये पाई। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की जो ध्यान दे वाली चीज होती है ना, ये सच में ध्यान देना होता है, इसमें इग्नोर नहीं मारनी होती। छोटा सा नोट होता है, क्वेश्चन के साथ ही दिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही दिया तो हम मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन इग्नोर मारते हैं, पर इग्नोर नहीं मारना है क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन दी होती है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को इस डेटा से पता लग गया है कि जो पूरी कुर्सियां, कुल जो कुर्सियां बिकी हुई है वो है आपकी 250 कुर्सियां आपकी बटी है इन 5 सेलर्स में। क्लियर नहीं आया? नहीं आया। 8% है ना कि अब 20, तो आपको 1% निकालना है, तो यहाँ पे 8 कर दो, 2.5 आ जाएगा। एंड आपका 100% कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे आपका तो 250 आ जाएगा। अभी आया? रिपीट। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, हमारे को एक डीआई दिया गया है। ठीक है, डीआई दिया गया है हमारे को इधर पाई चार्ट के द्वारा, और उसमें हमको परसेंटेज दी गई है कितनी कुर्सियां बिकी है। ठीक है, कितनी कुर्सियां, पूरा क्यों नहीं मिट रहा है? ठीक है, तो कितनी कुर्सियां बिकी है वो दिया गया है हमको, ए बी सी डी ई। यहाँ पे 5 सेलर है, ठीक है, 5 आपके विक्रेता है, ए बी सी डी नाम इनके यही है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपका ई द्वारा बेची गई है वो आपका, और आपका सी द्वारा बेची गई है, उनके जो बीच का फर्क है वो है 20 कुर्सियों का। तो यहाँ पे ई द्वारा कितनी बेची है आपने 20%, ठीक है। ई ने बेची है 20% कुर्सियां पूरे टोटल की, पूरे टोटल। अब हमें नहीं पता क्या है वो पूरा टोटल, एक्स मान लो, ठीक है। एक्स जो है आपका वो 20% आपकी ई ने बेची है और आपका सी ने बेची है आपकी 12%। और यहाँ पे जो दिया है कि इनके बीच का, ठीक है, सोल्ड बाय इज 20 मोर देन, ठीक है, 20 ज्यादा बेची है, सी के मुकाबले ज्यादा बेची है। अब आपको पता तो लग रहा है कि 12% बेची है और आपका 20% बेची है, तो इससे ज्यादा 20 बेची है, ठीक है। तो 20 इसमें जो फर्क है वो है 8% का, एंड वो इक्वल है आपका 8% का 20 कुर्सियों का फर्क है, ठीक है। अभी समझ आया? जो ई का और सी का जो बीच का फर्क है वो है 20 कुर्सियों का, कि ई ने 20 कुर्सियां ज्यादा बेची है सी से। अब इतना सा इंफॉर्मेशन दिया है तो हम देख रहे हैं अब इनका परसेंटेज के बीच का गैप, ठीक है। परसेंटेज के बीच का गैप कितना है आपका 8% है, ठीक है। 8% का इसके बीच का गैप है, तो ये 8% हुआ आपका 20 के बराबर, ठीक है। 8% हुआ आपका 20 के बराबर, तो 1% आपका 2.5। अगर आप देखेंगे, अगर आपको नहीं निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो इसका डायरेक्टली क्या बन जाएगा आपका 250, मतलब जो पूरी कुर्सियां बेची गई है वो आपका 250 बेची है। ठीक है, आपको अगर नहीं आ रहा है समझ तो मैं बेसिक उससे कर देती हूँ। यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि इन दोनों का फर्क है 8%, वो आपका 20 के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 के बराबर है, एंड आपका 8% गुना 100। आप अगर ऐसे करोगे बेसिक उससे तो आपका आ जाएगा 250। फोर टू जा, 4 5 जा, 2 1 जा, 250 जा, ये देखो, ठीक है। अभी क्लियर हुआ कि ये 250 कहाँ से आया? तो ये 100% जो पूरे बेचा गया है ये 250 बेचा है। प्लीज मेरे को बता दो कि ये वाला क्लियर हो गया ताकि हम आगे करें। ओके, आस्था ने पूरा निकाल दिया है कि ई ने बेची है 50 कुर्सियां। ओके, ये भी लिख लेते इसमें डेटा, ऐसे क्विक रिफ्लेक्स चाहिए वैसे एग्जाम में, ठीक है, आपका तभी हो जाएगा। ए ने बेची है 45 कुर्सियां एंड आपका बी ने बेची है 35 कुर्सियां, ठीक है। ये वाली इन्फॉर्मेशन बाकी को काम आ जाएगी, बट बाकी ने डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है, अपना खुद निकालना है, नहीं तो आस्था तो अपना ही करेगी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आस्था ने पूरा क्लियर कर दिया है। परसेंटेज का उन्होंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है कि ई ने बेची है आपकी 50, 45, 35, 30 और आपके 90 कुर्सियां, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है हमारे को इतने से डेटा से। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द चेयर सोल्ड बाय द ए एंड सी टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ द चेयर सोल्ड बाय द डी। तो यहाँ पे बोला क्या गया है ए और सी, ठीक है, ए और सी द्वारा मिलकर बेची गई कुर्सियां कुल संख्या आपकी डी के द्वारा बेची गई कुर्सियों की कुल संख्या के अंतर कीजिए, ठीक है। अब इसमें अंतर बताना है ए और बी के, इन दोनों के, ठीक है, ए और सी यहाँ पे बोला है कि इन दोनों के बीच का और साथ में डी के बीच का, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना फर्क है वो हमें बताना है, कितनी कुर्सियों का फर्क है वो हमें बताना है। अगर आप यहाँ पे डेटा देख रहे हो तो ए ने बेची है 18%, सी ने बेची है आपकी 12%, इसका टोटल माइनस डी ने बेची है आपकी 36%। ठीक है, 1 मिनट का टाइम। ओके, ठीक है, आस्था ने एकदम, आस्था, राहुल, ओके, और कोई ट्राई कर रहा है? प्लीज ऐसे मत सोचना कि गलती फटाफट कर रहे हैं फिर हम पीछे रह गए, आप भी ट्राई करो। अलीशा, ठीक है, आप भी ट्राई करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। हिमांशी, रविता, ये आधी इंफॉर्मेशन लिख क्यों नहीं है? परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करें नंबर में? जैसे कि ए है, ठीक है, ए है आपका 18% है, 18% का क्या 100 नीचे लग गया गुना पूरा टोटल नंबर कितना है आपका 250, ऐसे हो जाएगा कन्वर्ट। ये ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना है। मुझे मैथ ही नहीं आती, क्या करूँ, क्वेश्चन का आंसर मुझे याद नहीं। देखो जानवी, थोड़ा ट्राई तो करना पड़ेगा आपको। मैथ्स मुझे पता है काफी को कमजोर है, काफी टफ लगता है क्योंकि गैप हो गया है काफी इस मैथ्स में, बट ट्राई करो, कोशिश करो इसकी। अभी मैंने इससे पहले हमने नॉर्मल डीआई करी है, ठीक है, उसको आप ट्राई करना। अभी पाई चार्ट तो हमने आज पहली बार कराई है। मैम 250 कहाँ है? शबनम 250 है पूरे इसका टोटल, ठीक है, पूरे जो कुर्सियां बिकी है, ठीक है, पूरी कुर्सियां जो 5 सेलरों ने पूरी कुर्सियां बेची है वो 250 है आपके, ठीक है, वो 250 है। और उसमें से आपके परसेंटेज बांटे हैं कि ए ने 18% मतलब 45 अभी कुर्सियां बांटी है, ठीक है। मधु ने ये वाला सॉल्व कर दिया तो एक आपका 45 है। देखो दो तरीके से आप कर सकते हो इसको, एक तो आप नंबर से लेके कर सकते हो, ठीक है, नंबर से लेके कर सकते हो, या फिर आप परसेंटेज के लेके ही कर सकते हो। उसमें भी फिर आपका नॉर्मल आपने लास्ट में क्या कर देना है, लास्ट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे वैसे तो काफी होगा, ठीक है आंसर, ठीक है मैं बता देती हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे आपको पता है कि ए और सी को आपने इकट्ठा लेना है, साथ में आपने माइनस करना है डी के साथ, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका ए और सी को आपने इकट्ठा लिया, मतलब 18% जो कि ए का था, एंड आपका सी का था आपका 12%, ठीक है। इसको आपने कंबाइन कर दिया तो ये आपका आ जाएगा 30%, ठीक है, माइनस आपका डी का था आपका 36%, ठीक है, 36% आ गया आपका डी का, ठीक है। यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके बीच का फर्क कितना है, 6%। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 6% निकाल सकते हो, ठीक है, 6% का फर्क है ना। अब यहाँ पे यही तो पूछा है कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है, डिफरेंस कितना है, ठीक है, इनमें जो गैप है, अंतर है वो कितना है, तो अंतर है इनके 6% का, ठीक है, 6% का। तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली 6% निकाल रहे हो 250 का, ठीक है, 250 कुर्सियां थी, उसका 6% कितना हुआ, ये तो बिल्कुल ही, अब तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। अब तो क्वेश्चन 2, 5, 2 1 जा 2 3 जा 3 5 जा 15, ये आ गया आपका 15 आंसर, ठीक है, 15 जो ए ऑप्शन है आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 6%, ठीक है, तो इन दोनों में जो बीच का फर्क है वो है आपका 6%, आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप 6% अगर 250 का 6% निकालेंगे तो 250 का 6% कितना आ जाएगा आपका, 15 कुर्सियां। 250 कैसे निकाले, 250 ये पूरी चेयर्स का बताया, ठीक है, ये पूरी जो चेयर्स बिकी है, यहाँ पे जो बोला गया है 250 पूरी चेयर्स बेची है, जिसको बांटा है रेशियो में, ठीक है। अगर आपको पाई में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे ABCD करके अगर एक उसमें लिख सकते हो तो ऐसा करके चार्ट बना लो। अगर दिक्कत आ रही है तो ABCD करके आप ऐसे चार्ट बना लो, ABCDE, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिख लो 250 कुर्सियां टोटल है, और यहाँ पे आपका ए का 18% है, जितना आप निकाल सकते हो, अगर आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है, साथ में बी का आपका 14%, ऐसे करके आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है पाई में करना तो ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे तो ये टाइम वेस्ट ही है अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो, ठीक है। तो मैं परसेंटेज से नंबर में कैसे कन्वर्ट, परसेंटेज से नंबर में देखो यहाँ पे टोटल दिया है 250, ठीक है, हमें जैसे कि 18 करना है, ठीक है, 18 करना है तो 18% का यहाँ पे सेंट का क्या होता है, सेंट का मतलब 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपका 250, 18% निकालना है आपने 250 का। तो आपका इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 2 जा 5 जा 2 1 जा 2 9 जा 9 5 जा आपका 45, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया, जो ए है उसने बेची है आपकी 45 कुर्सियां, ऐसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, वो आपको आ गया होगा। एंड बाकियों के लिए मैं इस स्लाइड में इसलिए कर रही हूँ ताकि वो सेकंड क्वेश्चन कर सके, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, जिसने आंसर दे दिया है पहले का, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, एंड ये थोड़ा सा घुमा फिरा के, ठीक है, समझ गए, ठीक है। राजलक्ष्मी, चिंकी, लवली, रविद, 15% नहीं है रविद, ये ना ये 15 कुर्सी है, ठीक है, ये 15 कुर्सी है, ये आपका 6% थी, मतलब 6% का फर्क था इसमें, तो आपने 6% कन्वर्ट किया तो आपको ये 15 कुर्सियां हो गई है। ठीक है, 15 कुर्सियां, इनका जो बीच का फर्क है वो 15 कुर्सियों का है। ओके, ठीक है, समझ आ गया मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द टेबल सोल्ड बाय बी, यहाँ पे टेबल दिख रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे ब्लर आ रहा है थोड़ा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे बी का चाहिए। ए का चाहिए। अरे यहाँ पे एक चीज और है घुमाई हुई, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे टेबल लिखा है और जो डेटा दिया गया है हमारे को वो चेयर्स का दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया है। ठीक है, बी का कितना था आपका 14%। यहाँ पे ई का है आपका, ठीक है, दो तीन का दिया ना सिर्फ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ए का है आपका 18%। अभी तक तो आपने शायद नोट भी कर लिया होगा ये 20%, क्योंकि यहाँ पे मेरा सर है ना, दिख नहीं रहा है एंड ये ढंग से नहीं लगी है स्क्रीन, तो सेल्स वाला डेटा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ढंग से चीज पढ़ना, टेबल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेबल का डेटा भी बताया। ममता, राहुल, बाकी लोग भी ट्राई करो प्लीज। दानिश अंसारी, हिमांशी, ओके। ठीक है, एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ मैं, अगर आप परसेंटेज में ही करोगे इसको ना तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अगर आप नंबर के पीछे नहीं जाओगे। बट नंबर से करोगे तब भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके से हम करके देखेंगे इसको। शाहिमा, हिमांशी भी ठीक है। ठीक है, तो 1 मिनट हो चुका है, वैसे मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना सा जगह वैसे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इफ द टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय बी इज 20% टेबल। ठीक है, बी जो सेलर है उसने टेबल बेचा है आपका 20%, सॉरी 20% नहीं बेचा, 20% अधिक बेचा है, किससे? चेयर से, ई की चेयर से। अठारह परसेंट कैसे? ये गिवन है मनीषा, ये गिवन है डेटा, ये 18%, ए का जो है 18% ही है, ये गिवन है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है बी ने टेबल बेचा है 20% ज्यादा, किससे? आपका ई से। ठीक है, ई का देखो डेटा कितना है, ई का डेटा है आपका 20। ठीक है, 20% है तो हम 20% निकालेंगे कि ई ने कितना बेचा है पहले। ठीक है, ई ने आपकी बेची है कितनी कुर्सियां, पहले हम इसमें नॉर्मल निकालते हैं। ठीक है, आपको मैं परसेंटेज वाला भी बताऊंगी मेथड, पहले आपको नॉर्मल मेथड से बताया। तो यहाँ पे है आपका 20%। ठीक है, 20% है कितने का? 250 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसको नॉर्मली, जो काट फाड़ करते हैं इसकी, 2 1 10 5 5 50। ठीक है, 50 आया। ठीक है, तो ई ने जो बेची है वो कुल बेची है 50 कुर्सियां। ये बफर तो नहीं हो रहा है, आवाज तो नहीं कट रही है ना मेरी? ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन पता चली है कि ई ने बेची थी 50 कुर्सियां एंड यहाँ पे साथ में बोला है कि उसने 20% ज्यादा बेची है उसके। ठीक है, तो 50 का 20% निकालना है हमारे को। 50 का 20% कितना हो जाएगा? 50 का 10% कितना हो जाएगा? 5। 50 का 10% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 50 का फिर 20% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 जो है वो आ गया आपका। बी ने टेबल बेचे है, वो बेचे है आपके 60 टेबल। यहाँ पे इनडायरेक्टली डाटा दिया, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला है कि बी ने आपके 60 टेबल बेचे हैं। यहाँ पे बोला है कि जो ई के जो जितना उसने बेचा है उसका 20% ज्यादा बेचा है आपका बी ने टेबल का बताया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें पता लगा है कि बिका है बी का, वो आपका 60 टेबल बेचे है उसने बी ने। ठीक है, ये कनेक्टेड रिकनेक्ट क्यों चलाइए। ठीक है, बीच में अगर स्किप हो जाए तो प्लीज मेरे को बोल देना रिपीट करने को, क्योंकि यहाँ पे शायद मौसम खराब है इसलिए डेटा बफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आया। तो यहाँ पे टेबल जो बिके है बी के, वो बिके है आपके 60 टेबल। ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या गया है और आपका हमें रेशियो निकालना है बिटवीन द टोटल चेयर सोल्ड बाय ए। ठीक है, ए से कुछ नहीं करना है हमारे को, छेड़खानी, ए को हमारे को सिंपल रहने देना। तो यहाँ पे क्या है 18 है। ठीक है, तो ए का क्या था हमारा 18%। ठीक है, 18% को हम कन्वर्ट कर देते हैं अब इसको भी टेबल पे, सॉरी टेबल में नहीं, सॉरी इस पे कि कितनी चेयर्स बेची है। तो यहाँ पे 45 आया था। ठीक है, हमारा 45 आया था इसका आंसर। तो ये है आपका बी के टेबल का रेशियो एंड आपका ए के चेयर्स का रेशियो आपका 45। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया है 60 रेशो 45। अगर इसको आप काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट। इधर टोटल नंबर ऑफ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द शेयर सोल्ड बाय द ए एंड द नंबर सोल्ड, अच्छा ठीक है, हाँ टोटल नंबर बाय द बी। ठीक है, ए रेशियो बी का यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो ए रेशियो बी का क्या, बी के टेबल का डाटा पूछा है एंड ए के आपके चेयर का डाटा पूछा है। ठीक है, ए के चेयर का डाटा, ठीक है, ए के चेयर का डाटा एंड आपके बी के टेबल का डाटा पूछा है। तो बी के टेबल कितने बिके हैं आपके 60 एंड आपका ए की चेयर कितनी बिकी है आपकी 45। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अगर काट फाट करेंगे तो ये यहाँ पे कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 से और ये कट जाएगा आपका 12 से। ओके, और कट सकता है। ठीक है, 3 एंड आपका 4। तो यहाँ पे आपका 3 रेशो 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 3 रेशो 4 आ गया आपका आंसर, अगर आप कर रहे हो नंबर के थ्रू। ठीक है, नंबर के थ्रू किया हुआ है इसलिए इतना लंबा प्रोसेस हो गया है। अब मैं आपको इसका परसेंटेज में बता देती हूँ। लवली, शबनम, मधु, अमित, ठीक है, आप लोगों का भी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाला समझ आया, ये नंबर के थ्रू कैसे हुआ, थोड़ा सा लंबा चला गया ये नंबर के थ्रू। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब परसेंटेज के थ्रू कैसे कर सकते थे इसको, जल्दी से मिट जाएगा अगर जल्दी है। रविड, राजलक्ष्मी, ओके, उतने को काफियों ने दे दिया है आंसर। ठीक है, 3 रेशो 4 आपका आंसर सही है इसका। एंड आपको बताते हैं मैं परसेंटेज से कैसे कर सकते थे आप ये। ठीक है, यहाँ पे बोला है 20% अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है मतलब परसेंटेज, अब हम परसेंटेज में कर रहे हैं। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट मत करना इसको। तो यहाँ पे अगर हम 100 का 20 ही रख रहे हैं तो इसमें भी हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम प्लस कर रहे हैं 20%। ठीक है, अब आपका 20% का, सॉरी 20 का 20% कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपका आ गया ये 24 टोटल। ठीक है, मतलब जो ई ने जो आपके यहाँ पे ई ने यहाँ पे चेयर्स बेची थी उसका अगर आपका 20% निकालो 4, तो आपका 24 जो आया ये आपका 24% आपका आया टेबल किसका, बी का। क्लियर हुआ, बी का टेबल आया। एक बार फिर से थोड़ा जल्दी शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज में ही कर रहे हैं अभी सिर्फ। ठीक है, तो बी के टेबल का आपका आया 24 एंड आपका यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है आपका, आपकी चेयर सोल्ड बाय द ए। अब आपके चेयर्स कितनी है सोल्ड करी हुई ए ने, वो करी है आपकी 18%। ठीक है, यहाँ पे निकल गया 18% ए की एंड आपका बी के टेबल कितने हैं आपके 24%, बी के टेबल और ए की चेयर। ये लो डायरेक्ट कट गया, ये कितना कट जाएगा 3 रेशो 4, 2 लाइन में आंसर। ठीक है, तो ये आप अगर परसेंटेज से ही अगर डायरेक्ट कर रहे थे आप तो ये आपका 3:4 डायरेक्टली आ गया। तो यहाँ पे आपका 3:4 अगर परसेंटेज से कर रहे हो आप, वो आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। इधर इन्होंने एक कंफ्यूजन ये दी थी कि इन्होंने टेबल लिखा था, अगर आप टेबल इसको लेके चलोगे तो आपका मैस हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया है टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय वाई। अब यहाँ पे वाई का डेटा दिया है और हमारे को यहाँ पे जो अगर आपने अगर चार्ट बनाया होगा तो वाई का डेटा हमारे को नहीं दिया है। चार्ट में, पाई चार्ट में हमारे को वाई का डेटा नहीं दिया है। हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो वाई का डेटा है इज द ट्वाइस द एवरेज नंबर ऑफ द चेयर सोल्ड बाय सी और डी टुगेदर। सी और डी कितना है? सी और डी का, सी का 12 है, डी का 36 है। सी और डी का हमारे को पहले एवरेज निकालना है एंड उसका फिर हमारे को ट्वाइस करना है, मतलब गुना 2 करना है। पहले इसका एवरेज निकालना है, फिर इसका गुना 2 करना है। टोटल नंबर ऑफ द चेयर सोल्ड बाय ई इज द वर्ड परसेंटेज। अब यहाँ पे पहले तो इन्होंने बोला है कि पहले निकालना है आपको कि वाई ने बेची कितनी चेयर्स है एंड फिर उसको कंपेयर करना है आपको ई से। समझ रहे हो क्वेश्चन? पहले निकालना है आपको, ये वाई का डाटा निकाला है, ये पहले वाई का डाटा आपको ऐसे करके निकालना है एंड फिर आपको कंपेयर करना है इसको ई के डाटा से। ठीक है, यहाँ पे ई का है और यहाँ बोला कि कितने परसेंटेज आपका ज्यादा या कम, जितने भी कितने परसेंटेज आपका बिका है ई के, उससे कंपेरिजन टू ई। ये कोई आंसर्स नहीं कर रहा है कि मेरा नेट ही नहीं चल रहा है। ओके, ई का डेटा भी तो दिखा देती हूँ साथ में। ई का है, ई का 20% है। ई है आपका 20%। सी कितना है? सी था 12 और 36, 12 और 36 बटे 2 गुना 2। अगर यहाँ पे देखो तो ये तो ऐसे कट रहा है। समझ में नहीं आया? ओके, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय वाई। अब यहाँ पे वाई का डेटा दिया है, वाई हमारे को नहीं दिया है, हमारे को सिर्फ 5 ही सेलर दिए हैं, हमारे को 5 ही आपके विक्रेता दिए हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, 5 आपके विक्रेता दिए हैं, बट यहाँ पे इन्होंने वाई का डेटा दिया है कि जो वाई ने जो बेचा है वो बेचा है आपका ट्वाइस द एवरेज ऑफ द नंबर। एवरेज निकालना है, सी और डी का जो एवरेज होगा। एवरेज कैसे निकलता है? पहले तो टोटल को प्लस करते हैं एंड उसको एवरेज को कुछ नंबर ऑफ जितने भी आपके वो है, ठीक है, कैंडिडेट है या उससे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर देते हो एवरेज निकालने के लिए। ये बोला है इसका एवरेज एंड आपका यहाँ पे ट्वाइस भी दिया है। इसका जो एवरेज निकलेगा उसका दुगना, जो इसका एवरेज है, जो सी और डी का जो एवरेज निकलेगा उसका दुगना आपका वाई का परसेंटेज होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, और उसको हमें कंपेयर करना है। पहले तो इतना निकालना है आपको कि y का डेटा है कितना, पहले तो y का डेटा निकालना है और फिर उसको कंपेयर करना है हमारे को e के साथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन। ओके, आंसर्स आ रहे हैं ममता, राहुल। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया है, पुक्कू, राहुल। ठीक है, यहाँ पे आया आपका वाई का डेटा निकाल रहे थे ना हम पहले। दानिश, राहुल कुमार के एक ही है। 42 आ रहा है, 41.6 आ रहा है, हाँ 40 गुड इवनिंग प्रियंका, हाँ जी थोड़े से लेट हो गए, थोड़े ज्यादा लेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो y का डेटा है अगर आप देखोगे तो इसका एवरेज एंड आपका इसका अगर यहाँ आप देखोगे तो डायरेक्ट ही कट रहा है, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पे काट लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36 और 12 को प्लस कर दो तो यहाँ पे 8 4, ठीक है 48, ठीक है 48% आया आपका किसका y का डेटा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिल गया है कि y का डेटा है हमारा 48%। अब इसे कंपेयर किससे करना है, अब हमें इसे कंपेयर करना है किससे, आपका e से, ठीक है। अब यहाँ पे e का डेटा कितना है, a का डेटा हमारा हमने मैं लिखा था यहाँ पे आपका 20% है, ठीक है 20% है हमारा e का डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि e परसेंटेज वाज द टोटल नंबर्स सोल्ड बाय वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा है कि कितने प्रतिशत है आपका ई से किसके मुकाबले, वाई के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पे सोल्ड बाय वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बेस किसको रख रहे हैं, वाई को रख रहे हैं कि वाई के मुकाबले कितना आपका सी ई का है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे इसको, यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 20% या अभी 20 ही रख लो, ठीक है 20 रख लो एंड आपका यहाँ पे 48 रख लो गुना आपका 100, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट दोगे, इससे कट रहा है 1 2 से, इसको काटेंगे तो यहाँ 25 से और कट रहा है 12 और 25 तो नहीं कटेगा। अच्छा इससे कट जाएगा 3 या 4, ठीक है और कट रहा है, यहाँ मैंने काटा था 4 से, ओके यहाँ मैंने 4 से काटा था, सॉरी अभी कट रहा है ये, सौ बाय 3 तो ये तो 33 नहीं आ गया फिर तो, मंडे से लगे क्लास बोली थी सरोज मैम, मेरा क्यों नहीं आ रहा है 100 बाय 33 आ गया फिर, ये मैंने ठीक काटा है क्या, बाय 48, ठीक है। बेसिक से काटते इसको, 4 1 4 2 यहाँ पे 4 25 यहाँ पे काटा, फिर इसको 4 5, ओके 4 3 4 5, ओके सॉरी काट गलती कर दी मैंने काटने में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 125 बाय आपका 3, ओके हाँ अब आ सकता है 41, तो अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 41 2 बाय 3, हाँ ठीक है 41 2 बाय 3 आया इसका आंसर, जो यहाँ पे इसके करीब है। तो इसका कट कट के आया आपका 41 2 बाय 3%, जो आपका 41 के करीब है, ठीक है। 1 2 ने तो किसी ने एग्जैक्ट निकाला था, पुक्कू ने निकाला है 41.67, हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 41.66 या 41.67 या आप 41.41 2 बाई 3 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आपका आ जाएगा 41, ओके। यहाँ पे मेरा सर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसका भी कट बढ़ हो जाएगा काफी, ठीक है। तो ए वाला आपका सही है, 12 और 36 कहाँ से आया? ये काट के आया है, ये मैंने काटा इसको। अगर आप इसको काट रहे हो 20/48 गुना आपका 100, अगर ऐसे काटोगे आप उसका तब आ रहा है ये 12। दिव्यांशु ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारे पास। यहाँ पे भी ये थोड़ी सी टफ डीआई थी इसकी पाई की। अगर आप परसेंटेज से कर रहे हो तब तो इजी है, अगर परसेंटेज से डायरेक्ट कर रहे हो, अगर नंबर में नहीं निकाल रहे हो क्योंकि उसमें कंफ्यूज हो रही है इसमें ज्यादा, अगर आप परसेंटेज में उस पर लगा रहे हो तो डीआई चल रहा है। ओके प्रियंका, आप थोड़े लेट हो इसलिए शायद आपको नहीं लग रहा होगा पता। हम आज पाई चार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, पाई जो आपका है डायग्राम, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं। आपको परसेंटेज में डेटा दिया है, साथ में आपको दिया है कि 250 चेयर्स है। बट यहाँ पे है, यहाँ पर मेरा सर है, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। ओके हाँ प्रियंका, ये डीआई है, ये वाला कि क्रैश कोर्स में डालोगे क्या? हाँ क्रैश कोर्स में ही चल रहा है ये, आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? देयर इज द 2 टाइप्स ऑफ चेयर सोल्ड बाय बी, दैट इज टाइप एक्स। अब यहाँ पे और भी इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो हमने बी निकाला है कहीं? बी नहीं निकाला है ना हमने कहीं। बी का कितना है? बी का है 14, ठीक है। तो यहाँ पे बी का जो डेटा दिया गया है वो दिया गया है आपका 14%, ठीक है। बी का आपका दिया गया है 14%। तो आपका यहाँ पे क्या बोला है कि बी जो है वो बेच रहा है 2 किस्म की चेयर, एक्स एंड आपका वाई, जो वो बेचता है आपका 3:4 के रिप्रेजेंट करके, ठीक है। रिकॉर्ड देख लूंगी, आप जहां से हो वहीं से करो। हाँ ओके बस मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको उसमें, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ आएगा प्रियंका तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है डीआई। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बट परसेंटेज बेस है सारी, यानी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया इसमें, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन भी, ठीक है। तो टाइम निकल जाएगा जल्दी से, तो बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको बी दिया है, बी का जो है यहाँ पे वो 2 टाइप की चेयर बेच रहा है। जैसे होता है ना कि इसकी कंपनी का, अब मैं साबुन बेच रही हूँ तो मैं लक्स का भी बेच रही हूँ, मैं सिंथॉल का बेच रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी चेयर्स बेच रहे हैं 2 कंपनी की, एक्स कंपनी की और वाई कंपनी की, ठीक है। एंड बेच किस रेशियो में रहा है आपका? 3:4 में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है कि 14% है बी का जो आपका मार्जिन है, ठीक है, जो पूरे 250 में से आपका 14% है आपका। तो अब इसको 14% में अगर हम निकालेंगे, 14% का अगर हम इसको 3:4 में बांट रहे हैं तो इसका कितना बन जाएगा? पहले हम इसको बांट लेते हैं। 4, 5, 6, 7 इनको अगर प्लस करेंगे तो 7 आया, ठीक है। मतलब जो 1 रेशियो है वो आपका 2 के बराबर है। मतलब जो एक्स कुर्सियां बिक्री है वो बिक्री है आपकी 6, और आपकी जो वाई कुर्सियां बिक्री है वो आपका बिक्री है गुना 2 करके आपका 8, ठीक है, 6:8, ठीक है। तो 6% और 8% ये बेच रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे इतना सा इन्फॉर्मेशन हमारे को पता लग गया कि एक्स और वाई जो कंपनी है जो कि बी बेच रहा है, ठीक है, बी जो एक सेलर है, सेलर का नाम है बी, वो आपका बेच रहा है 14% कुर्सियां 250 की 14%, एंड आपका बेच किस रेशियो में रहा है आपका 6% और 8% के रेशियो में, ठीक है। हमने इतने से इन्फॉर्मेशन निकाल दी। अब यहाँ पे पूछा क्या है, आगे क्या पूछा है यहाँ पे? द नंबर ऑफ द टाइप वाई। अब सिर्फ टाइप वाई की बात करिए, मतलब हम आपको लेना है 8%, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वाई परसेंट सोल्ड बाय द वी बट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर चेयर सोल्ड बाय द सी। अब यहाँ पे सी एडिशनल आ गया है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस पूछा है, और आपका सी कहाँ है? सी है 12%, ठीक है। सी का डेटा दिया है हमारे को 12% का। ओके मैं आंसर्स नहीं देख रही हूँ। ओके राहुल ने कर दिया है आंसर, एंड आपका ममता, ओके ममता जी और राहुल ने कर दिया है आंसर इसका। बाकी कोई ट्राई नहीं कर रहा है, बट अब टाइम भी नहीं है कि मैं ट्राई करने को दूं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे 12% है, अब यहाँ पे हमको लेना है 12% और 8%। तो आपको पता है जब मैंने बोला है कि इंक्रीज कितना है और डिक्रीज कितना है, जब मोर देन और लेस देन या पूछा हो कि इंक्रीज कितना है या डिक्रीज कितना है, हम क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमको सी का डेटा दिया है 12% और आपका बी का वाई का डेटा दिया है आपको 8%। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे अगर आप डायरेक्टली तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4। ठीक है, 4। और हम बेस में किसको रखेंगे? बेस में रखेंगे हम सी के डेटा को। ठीक है, क्योंकि हम सी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सी से हमारा कंपैरिजन है, तो हम सी से कंपेयर कर रहे हैं। इसको यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4। कंपेयर किससे कर रहे हैं? 4 था डिफरेंस इसका, जो मैंने बताया था कि इंक्रीज डिक्रीज में क्या करते हैं हम, जो उसका डिफरेंस होता है वो लिखते हैं। तो हमारा 4 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में। टोटल कितना है आपका सी का, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, एंड साथ में आपका गुना 100। ठीक है, अब इसको काट लो आराम से। ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 1/3। अगर आपको रेशियो और परसेंटेज याद है, 1/3 कितना होता है आपका? 33.33%। ठीक है, अगर जिसको नहीं आ रहा है समझ, वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको आ जाएगा। पर अगर ये याद है ना आपको, 1/1 कितना, 1/1 तो 100 ही होता है, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, ये याद कर लेना, बहुत काम आ जाता है। क्योंकि मधु, हिमांशी, ठीक है आप लोगों का भी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका 33.33%। ये आपका 33, इसको और कैसे लिख सकते हैं? 33 1/3%। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन। डीआई के चक्कर में टाइम ही निकल जाएगा एग्जाम में, तभी आपको भी प्रैक्टिस करनी है ठीक से, ताकि वहां पे कम टाइम लगे। क्योंकि अगर बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चन के करना कैसे है। हाँ सही है राजलक्ष्मी, देखो वो चीज तो क्वेश्चन समझ में पाई चार्ट नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, ये वाला दे देंगे अभी आपको। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी साथ में। पीडीएफ अभी तो नहीं, शाम को, आज शाम को अगर अपलोड होगी तो देख लेना आज शाम को, नहीं तो कल तो मिल ही जाएगी इसकी। ठीक है, तो कल भी हम डीआई ही करेंगे एक और। अगर आपका कोई डीआई है ऐसी जो हमको डिस्कस करनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऐसे डीआई की, तो आप मेरे को मेल कर देना, तो वो वाले डीआई करेंगे कल सॉल्व। ठीक है, क्योंकि 1-2 डीआई जो मैंने बीच में करी है वो भी मुझे आप लोगों ने दी है। डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपका सीधा 10 नंबर लेते हैं, सीधा 10 नंबर। ओके, यहाँ पे पूछा गया है इफ द प्राइस ऑफ द चेयर सोल्ड बाय ए इज 150। ठीक है, जो एक कुर्सी है, एक कुर्सी की कीमत आपकी अगर 150 रुपए है, तो पूरा जो ए ने कुर्सियां बेची है उसके कितने रुपए बन जाएंगे? यहाँ पे दिख रहा है? ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये आधी छूट रही है डीआई। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा हल्का सा। तो ए का जो है वो है आपका 18%, और जो टोटल है आपका डेटा वो है आपका 250 कुर्सियां। 250 कुर्सियों का पहले 18%, एंड आप क्या कर सकते हो उसको डायरेक्टली बाईस तारीख के बाद के नोट्स शो नहीं हो रहे। सभी को ही आ रहा है ये इशू, ये हाईलाइट तो किया है, आज डाले थे वैसे 6750। ठीक है, सबसे पहले जो आंसर किया है ये आस्था जी ने किया है, ममता, अमित, अलीशा, प्रियंका, राहुल। ओके, तो ये इजी है, ये सबसे शायद आज का सबसे इजी क्वेश्चन होगा, तो इसको मैं बता देती हूँ करके। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन था ये अभी तक जो हमने किए थे। तो ए ने जो बेचे है वो बेचे है आपके 18%, 18% मतलब प्रतिशत का 100 नीचे लिखो और यहाँ पे 250 में से 18%, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे इसको। 2 5 ये आप सोच रहे हो कि बार बार क्यों कर रही है, ताकि जो न्यू है उनको भी पता लगे कि कैसे निकालना है परसेंट। ठीक है, तो परसेंट हमारे को क्या निकालना है, यहाँ पे 18% दिया है 250 का, तो हम इसको परसेंट निकाल देंगे। मतलब उसने बेची है आपकी 45 कुर्सियां। ठीक है, 45 कुर्सियां उसने बेची है, गुना अब एक कुर्सी है उसकी 150 रुपए की, तो 45 कुर्सियां कितनी हो जाएगी उसकी, गुना आप 150 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6750। ठीक है, 6750 की उसने सारी कुर्सियां बेची अपनी, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये कैसे होना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो उसने जो कुल कुर्सियां बेची थी 45, जो कुर्सियां बेची उसने अगर 150 के भाव में बेची है, तो इसका जो पूरा आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6750 आंसर। ठीक है, अभी कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, वैसे काफियों ने दिए हैं आंसर, बट मेरे को लेट पहुंच रहे हैं। पुक्कू, मधु, हिमांशी, निशा, रविद, लवली। ठीक है, थैंक यू सो मच। राहुल ने तो ऐसा सबसे पहले दे दिया था। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड तक क्लास देखने के लिए। बाकी कल भी हम डीआई करेंगे। ठीक है, क्योंकि डीआई में डाउट हो रहा है काफी को। एंड आपकी 5 बजे वाली क्लास शुरू हो गई होगी, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, और प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में। मिलते हैं कल वाली क्लास में फिर। ठीक है, बाय बाय सभी को। एंड आपके अगर डीआई होगी कुछ तो प्लीज मेरे को मेल कर देना। अगर आप फिर वही वाली डीआई करेंगे, अगर मेरे को लगेगी कि हाँ ये सबको बतानी चाहिए, तो मैं वाली डीआई कर दूंगी। ओके, बाय बाय सभी को।